पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं रीवा के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री अरजिंदर शुक्ला भोपाल से एक महीने बाद वापस आकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो व्यापारिक संगठनों और भीड़ से करीबी बना रहे हैं, जिससे कि कोरोना फैलने का डर है। नगर निगम कमिश्नर और विधायक राजेंद्र शुक्ला, जो इस समय लॉकडाउन का पालन करवाने व आम जनता को निर्देश देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हैं, वो जब खुद ही उल्लंघन करेंगे तो आम जनता का क्या होगा, आम जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। इसी तरह के आरोप लगे हैं विधायक जी पर। अभी रीवा दो पॉजिटिव बंदी जो इंदौर से आए थे उस पर आप लोगों ने विरोध किया, आपके ऊपर FIR भी रजिस्टर्ड हुई। इंदौर और भोपाल जो है तो रेड जोन एरिया पे है, वहां से किसी को भी यहां आना प्रतिबंधित, कहीं भी जाना प्रतिबंधित है। इस दौरान जो है माननीय वर्तमान विधायक रीवा आए हुए और सामाजिक संगठनों से तुरंत मुलाकात किया है, उस पर आप कुछ प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। देखिए, ऐसा है कि रीवा विधानसभा के वो विधायक हैं, उनको आने जाने में कोई रोक नहीं है, पर परिस्थितियां COVID-19 की, कोरोना महामारी की, जब कोरोना महामारी हुआ और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो माननीय विधायक जी भोपाल में थे। ऐसा हमको कई लोगों से पता चला, हमने पूछा भी कि जनप्रतिनिधि विधायक जी कहाँ हैं, क्योंकि हम लोग तो एक तरह से निवर्तमान हो चुके थे। तो जनप्रतिनिधि और जनता का पुत्र और बाप का रिश्ता होता है। उस दौरान वो ये हुआ कि लॉकडाउन में फंसे थे, जबकि ऐसा नहीं था, उनको मंत्री बनने का लालच वहां फंसा के रखा था। जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ उनका नाम उसमें नहीं दिखा। वो आनन फानन में आपने देखा होगा कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार जहां पे गठन हो रहा था राजभवन, वहां भी वो नहीं गए, वहां से अपना लेकर के चल दिए। वो कैसे आए, उनको उस रेड जोन से कैसे परमिशन मिली, लॉकडाउन का उल्लंघन करके आए। आपको पता होगा रीवा के बहुत सारे लोग इंदौर और भोपाल में फंसे हैं, बेचारे वहां आना चाह रहे हैं। कई लोग हमसे ही बात करते हैं, वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि रेड जोन है। अब बात रही कि कुछ दिन पहले जो हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, FIR एक जनता की सेवा में FIR दर्ज हुआ। माला जी, रीवा के वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री एक महीने से जो है भोपाल में बैठे हुए थे, जहां रेड जोन एरिया है भोपाल इंदौर उज्जैन, इसके बाद वो सीधे यहाँ आते हैं और संगठन के कार्य, संगठन जो सामाजिक संगठन है या व्यापारिक संगठन जो गरीबों को खाना की व्यवस्था कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उस भीड़ पे अधिकारी भी रहते हैं, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, वैश्विक महामारी समूचे विश्व में है। इस संदर्भ में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्टर या कि हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक निर्देश और गाइडलाइन जारी है। इस गाइडलाइन का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि 3-3 मीटर की दूरी या 3 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्पर्श न कर सके, उसके वायरस और उसके कीटाणु एक दूसरे के पास ना जा सके, ऐसी व्यवस्था गाइडलाइन में है। तो इसका पालन हर व्यक्ति को, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, चाहे संवैधानिक पदों में रहने वाले हों, चाहे हमारे देश के प्रशासनिक हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे आम व्यक्ति हो, इसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। और निश्चित तौर से ये देश का विषय है, विश्व का विषय है, ये वैश्विक महामारी विश्व में है। तो चाहे वो देश विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मिनिस्टर हों, इस बात की चिंता हर व्यक्ति को करनी चाहिए, ताकि उनके माध्यम से ये बात वायरल, ये बीमारी फैले ना। यदि ऐसा वो कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इस बात की खबर बड़ी तेजी से प्रकाशित हो रही कि रीवा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमानी राजेंद्र शुक्ला जो प्रबुद्ध हैं, संभ्रांत हैं और शिक्षित हैं, और उन्हें तो व्यक्तिगत तौर से इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर से ये खाद्यान्न बांटना, समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को उनकी मदद करना एक सामाजिक सरोकार का विषय है, पर निश्चित तौर से आज सामाजिक सरोकार के विषय से बड़ा विषय यह है कि ये वैश्विक महामारी जो हमारे बिंद क्षेत्र में नहीं है, हमारे रीवा संभाग में बड़ी सतर्कता के साथ आम आदमी बड़ी सहजता के साथ इस बात को ध्यान में रख के गवर्नमेंट के पालन कर रहा है, तो उनको भी ये पालन करना चाहिए। निश्चित तौर से यदि वो थोड़ी सी चूक कहीं हुई
इस तरह से जैसे हमने देखा प्रिंट मीडिया में और ये वायरल हो रहा है कि उनके सहयोगी लोग काफी घनिष्ठ है, और उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी भी दिख रहे हैं जो जिला पंचायत के सीओ हैं और साथ में नगर निगम आयुक्त हैं। तो ऐसे बड़े पदों में रहने वाले, शासन को निर्देश देने वाले, निर्देश का आम जनता पर पालन कराने वाले व्यक्ति ही ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित तौर से आम जनता में गलत प्रभाव जाएगा, गलत संदेश जाएगा। तो ये एहतियात बरतने की आवश्यकता है, और हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और ऐसे राजनेताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए जो जनता में गलत संदेश जाए।